इनकम मैं रिवील नहीं करता ब्रदर, लेकिन भाई की इनकम मैं बता दूंगा। चाहे वो आरुष बोला कि 2-2 लाख रुपीस की फॉरेन की ट्रिप्स हो, या फिर गोवा से लेके पहाड़ों तक की ट्रिप्स, या दोस्तों के साथ रोज का 2-3 हजार रुपए का खाना पीना, आरुष के ऐसा खर्चों को पूरा करने कितने सोर्सेस हैं, आज इस वीडियो के अंदर हम सब कवर करेंगे। पहला है इसका क्लोथिंग ब्रांड ऑल स्टैक क्लोथिंग, जिसके ऊपर इसके मंथली 21,000 विजिटर्स आते हैं, जिसका मैंने एवरेज ऑर्डर टिकट साइज 1,000 रुपीज ही माना और सिर्फ 5% का कन्वर्जन रेट भी अज्यूम कर लिया, तो 1,050 लोग के हिसाब से अगर 1,000 रुपीज की भी सेल्स हुई तो 1,50,000 रुपीज की सिर्फ क्लोथिंग की सेल्स है, और क्लोथिंग में इसकी कोई भी मार्केटिंग कॉस्ट नहीं, तो उसके हिसाब से इसका 50% का सीधा प्रॉफिट बचता है, जिसके हिसाब से 5.5 लाख रुपीस का प्रॉफिट होता है। दूसरा है ब्रांड कोलैबोरेशन। मैंने आरुष बोला के मैनेजर से बात की उसकी ब्रांड प्रमोशन की कॉस्ट जानने के लिए, और उससे बात करने के बाद पता चला कि वो एक इंस्टाग्राम रील का 3,85,000 रुपए चार्ज करता है और एक डेडिकेटेड यूट्यूब वीडियो का 4,50,000 रुपए, और अभी वो बिग मसल न्यूट्रिशन और पिंटोला जैसे ब्रांड्स का ब्रांड एम्बेसडर है, जिससे वो 3-4 लाख रुपए पर मंथ चार्ज करता है कुछ ब्रांड पोस्ट डालने का, और ऐसे वो वॉल स्किन साइंस और गाने जैसे ब्रांड्स का ब्रांड एंडोर्समेंट करता रहता है, जिसका वो 4-5 लाख रुपए चार्ज करता है, जिसके हिसाब से सिर्फ ब्रांड एंडोर्समेंट से ही वो 7-8 लाख रुपए महीना कमा लेता है। तीसरा सोर्स है यूट्यूब। आरुष के चैनल पे मंथली 5-6 मिलियन व्यूज आते हैं और एक ब्लॉगिंग चैनल के ऊपर है पर 1,000 व्यूज के ऊपर 300-400 रुपए बनते हैं, जिसके हिसाब से 5-6 मिलियन व्यूज के हिसाब से उसके 1.5-2 लाख रुपए यूट्यूब से आ जाते हैं। और इसी के अलावा आरुष का एक हिडन इनकम सोर्स भी है, जो कि है एफिलिएट लिंक्स। भाई अगर तुम आरुष बोला का कोड यूज करके कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसका इसको एक कमीशन मिलता है, जिससे मंथली 50-60 हजार रुपए आराम से कमा लेता है। तो फिर अगर देखा जाए तो एज एन एंटरप्रेन्योर एंड एज ए ब्लॉगर वो आराम से 15-20 लाख रुपए महीना कमा लेता है। और हाँ, तुम भी ब्लॉगिंग करके इतना पैसा कमा सकते हो, पर भाई डेली रियल होकर ब्लॉगिंग करना इतना आसान नहीं है, मैं भी नहीं कमा पा रहा हूं। और आरुष बोला का जो क्रेज है ना वो नेक्स्ट लेवल है। अगर तुम्हें उसका क्रेज देखना है तो अभी कभी कमेंट सेक्शन चेक कर लो, पूरा का पूरा दिल्ली गैंग ओपी से भरा पड़ा है। जय हिंद।